हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीमन। हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास सेवंथ का चैप्टर नंबर थर्ड, तो जिसमें हमने दो भागों में पहले पढ़ लिया था और हम बिल्कुल आराम से ही इसको कवर करते चलेंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं है क्योंकि अभी जो है वो किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है। छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े यूपीएससी तक, आरएएस तक जो है वो आप लोगों को एनसीईआरटी बुक पढ़ के ही जो है वो आगे जाना है। ये बेस है और इसके इसको छोड़कर जो है वो आप आगे की अगर सोच रहे हैं, हम गाइड से जो है वो तैयारी कर लेंगे, तो वहां पर जो है वो आप लोग एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो है इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज जो है वो नोट्स के द्वारा भी करवाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो है बेस तैयार करना होगा। एनसीईआरटी बुक जो है वो आपको पढ़नी होगी। राजस्थान जीके की बुक जो है वह भी चल रही है, उसके वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका अभी तक बाहर से नहीं आया है, उसी में से आया है और आगे भी उसी में से आएगा। तो उससे जुड़िए। बुक जिसको पढ़नी है प्लेलिस्ट में डाली जा चुकी है, तो आप कंप्लीट बुक भी पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप लोग जो है वन लाइनर जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है उससे जुड़िए। तो चलिए, हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था दिल्ली के सुल्तान के बारे में, हमने काफी कुछ समझ लिया था। अब हम यहां से करेंगे, बहुत ही आराम तरीके से आप लोग इसको जो है रीडिंग करते चलिए। ऐसा मत सोचिए कि इतना सारा कैसे याद होगा, क्योंकि इनमें से जो है बहुत कम फैक्ट जो है वो निकल कर आते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए चैप्टर पढ़ना बेहद जरूरी है। अफ्रीकी देश मोरक्को से, तो अफ्रीकी देश मोरक्को जो है यहां से 14वीं सदी में भारत आता है एक यात्री इब्न बतूता। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से आया था। किस सदी में आया था? 14वीं सदी में। इसने बतलाया कि सरदार जो है कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। तो इसने यात्रा की जब भारत की, तो इसने ये चीज जानी कि ये लोग कहाँ रहते थे, किले बनाकर रहते थे, और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुंथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता है। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो उनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी फसल भी रहते हैं, अंदर ही पानी भी उपलब्ध है, यहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल। ठीक है, तो पानी जो है किस तरीके से आया? वर्षा का। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। ठीक है, तो किले की जो है खूबी के बारे में बताया कि सुल्तानों ने किस तरीके से जो है वो मैनेजमेंट किया हुआ था। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1299 में उत्तर पूर्वी ईरान में हमला किया था। ठीक है, ईरान के ट्रांस ऑक्सासियाना, ठीक है, जो कि आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपने सुना होगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला जो था वह मंगोल जो शासक था चंगेज खां, कब किया इसने? 1219 में। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। तो अभी तक दिल्ली के सुल्तानों के साथ ऐसा कोई भी जो है समस्या नहीं आई थी, आराम से जो है ये अपना विस्तार कर रहे थे। तो अब जो है दिल्ली सल्तनत पर जो है वो खतरे की जो घंटी है वो बजना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना जो है प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। तो बाकी जो सुल्तान थे तो वह इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, कमजोर थे, तो उनके आगे टिक नहीं पाए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक कैसे सामना किया? तो दिल्ली पर दो बार जो है वो मंगोलों का हमला होता है, एक 1299 और 1300 में, उसके बाद 1302 से 1303 में, दो बार होता है। याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है वो कितनी बार दिल्ली पर हमला हुए, ये लाइन पूछी जा चुकी है। जिनको मैं कहती हूँ कि पूछी जा चुकी है तो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो है उनको तो करते ही है, तो ये चीज भी आपको पता लग जाती है। तो दो बार हमला हुआ, कब कब हुआ? 1299 से 1300 में और 1302 से 1303 तक में। ठीक है, इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ी जो है स्थायी सेना खड़ी की। वहीं पर मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला होता है, मंगोल सेना जो है वह परास्त हो गई। तो मोहम्मद तुगलक के समय मंगोल सेना को परास्त होना पड़ा। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने
ईरान ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। अब तो यहां पर आक्रमण मुझे करना ही है। एक स्थायी सेना जो इसने भी तैयार की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। तो गैरिसन शहर मैंने आपको बता दिया था, एक किलेबंद जो जगह थी जहां पर जो है वो सैनिकों के लिए जो है रहने की जगह थी और हर सामग्री जो है उनको प्राप्त होती थी, चाहे खाने पीने की हो। ठीक है, नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के चार शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली ए कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी। इसने नहीं, कोई गैरिसन शहर इसने नहीं बनाया, इसने क्या किया, वहां रहने वाले जो लोग थे उनको ही वहां से हटा दिया और सैनिक छावनी बना दी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया। तो यहां इंपॉर्टेंट क्या है कि दौलताबाद को अपनी राजधानी जो है किसने बनाया, तब आपका जो आंसर क्या आ जाएगा, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तो जो पुराने शहर के निवासी जो थे जहां पर इसने सैनिक छावनी बना दी, सैनिकों को वहां पर रहने के लिए कर दिया, तो पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी जो इसने नई राजधानी बनाई दौलताबाद, वहां पर शिफ्ट कर दिया। वही अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया कि अब सैनिकों को जो है वो खाने पीने की सामग्री भी तो चाहिए, तो इसके लिए उसने क्या किया, टैक्स जो है लेना, वसूल करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और भूमि से जो है वो कर लिया कहां, गंगा यमुना के बीच की जो भूमि है वहां से। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसने जो है जो कृषि उपज थी तो उस पर जो है कर कितना तय किया, 50%, कि 50% जो है वो आप अपने पास रखो, 50% कर के रूप में दो। इससे जो है वो सेना की जो समस्या थी खाने पीने की वो सॉल्व हो गई सेना को। और इसने क्या किया, मोहम्मद तुगलक ने सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरे करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगा दिए। इसी दौरान इस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने तीन प्रकार के ही कर लगाए, लेकिन इससे ज्यादा कर जो है वो लगा देता है मोहम्मद तुगलक, और इस वजह से जो है वो उस क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है। जब इतना जो है वो कर वहां का जो स्थानीय जो किसान है वो देने लग जाएगा, तो अब उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, 50% तो वो पहले ही दे रहा था, तब अकाल की समस्या आ गई। सैनिकों को जो है वेतन सबसे पहले देना प्रारंभ किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता, पहले इक्ता यानी कि वो भूमि जो थी उसी पर जो है ये कर प्राप्त करके जो है वो अपना रखते थे वेतन के रूप में, लेकिन इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे, तो इससे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर भी नियंत्रण लागू कर दिया। ठीक है, सबसे पहली बात जो है इंपॉर्टेंट, इसने क्या की, इसने जो है वो गंगा यमुना के बीच की भूमि से जो है कर वसूलना प्राप्त किया, 50% जो है इसने कर लगाया और फिर सैनिकों का भरण पोषण किया। उन्हीं सैनिकों को जो वेतन भी देना प्रारंभ कर दिया एकता की जगह पर। तीसरा जो इसने बात की, तो इसने जो है जो भी वस्तुएं थी उन पर जो है वो टैक्स लगाना भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते उनको ये क्या करता था, सजा भी देते थे। तो देखिए यहां पर जो है इसने बहुत ज्यादा कठोर नियम भी बना रखे थे। जो कीमतों का सर्वेक्षण करते थे कि कोई भी जो व्यापारी है उसकी जो है वो एक फिक्स रेट है वस्तुओं की, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो बढ़ाकर दे रहा है। तो जो अफसर थे वो उसका क्या करते थे, सर्वे करते थे, और जो उल्लंघन करता था उनका नियमों का तो उनको जो है वो कठोर दंड देते थे, सजा मिलती थी। वहीं पर मोहम्मद तुगलक क्या कर रहा था, इसने भी सैनिकों को जो है नगद वेतन दिया, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा भी चलाई। ठीक है, इस वजह से इसके समय बहुत समस्या आई। ठीक है, तो ऐसा जो सुल्तान जिसने मुद्रा की तरह जो है एक सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, ये संकेत तो है और मुद्रा का काम करेगा, तो टोकन मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था, वे बहुत चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर अपने पास रख लेते थे। अब अकाल तो पड़ेगा ही, क्योंकि उनको पता लग गया कि जो सुल्तान है वो क्या चला रहा है, सांकेतिक मुद्रा चला रहा है, मुद्रा की तरह ही। ठीक है, तो लोग जो है वो चालाक थे, सोने चांदी जो है इसको बाहर ही नहीं निकाला इस मुद्रा को, और अपने तमाम कर जो है इस टोकन मुद्रा से ही चुकाने लग गए। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे।
तो इस तरीके से जो है बहुत जो है जो शासन जो बहुत अच्छा चल रहा था तो वो डाउन में गया। वहीं पर दूसरी तरफ देखें अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे। इसकी जो कठोर नीतियां थी वो काफी अच्छी साबित हुई। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजारों में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। ठीक है, मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। प्रशासनिक कदम जहां पर मोहम्मद बिन तुगलक के तो असफल हो ही जाते हैं। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल हो गया। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच अपने उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद जहां पर इसने लोगों को भेज दिया था, ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि, गंगा यमुना के दोआब में अकाल पड़ गया। विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा जो सांकेतिक मुद्रा थी वो वापस लेनी पड़ी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी। ठीक है, अब असफल तो हुआ था लेकिन योजना जो है वह मोहम्मद तुगलक ने सबसे पहले बनाई मंगोल शासकों को हराने के लिए। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। ठीक है, तो ये अंतर था इन दोनों में। तो अलाउद्दीन खिलजी तो सफल होता है, वहीं पर मोहम्मद तुगलक जो है वो असफल हो जाता है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत किस तरीके से था, अभी तक हमने 14वीं शताब्दी तक का समझा। तो तालिका एक को फिर से देखें, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद जो है 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद वंश और लोदी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी, राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और आसमू जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। तो जहां पर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय जो है वो शासन ठीक था, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो है अफगान और राजपूत ये शासक भी जो है वो उभर कर आते हैं। और वहीं पर दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनका जो रौब था वो धीरे धीरे कम होने लगा, ज्यादा शक्तिशाली नहीं हुए। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। तो शेर शाह सूर यानी अफगान जो शासक था 1540 से 1545 तक इसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं जिसका शासन जहां देखते हम 1530 से 1540 तक रहता है, उसके बाद जो है यहाँ शेरशाह सूरी का समय आ जाता है, देखिए 1540 से 1545 तक। ठीक है, तो ये हुमायूं जो है वो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद दोबारा से जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये वापस आता है। 1555 और 1556 तक इसका शासन रहता है, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको जो है चुनौती दी थी शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। हालांकि सूरी वंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया 1540 से 1555 तक, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 इनका शासन का समय रहा। तो इसने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। ठीक है, तो जो अकबर था इसको शेरशाह सूरी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो पसंद आई, तो इसी को जो है इसने अडॉप्ट किया अकबर ने। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, शेरशाह सूरी का समय 1540 से 1545 तक रहा, तो ये हुमायूं जो है यहां पर नहीं था। ठीक है, और हुमायूं का शासन काल जो है वो दो भागों में है, 1530 से 1540, उसके बाद यहाँ शेरशाह सूरी का समय आ गया और फिर जो है दोबारा से हुमायूं आ जाता है इसकी मृत्यु के बाद 1555 से 1556। तो ये भी याद रखना है कि शेरशाह सूरी जो है उसने सूरी वंश जो है इसने शासन जो है वो कितने साल तक किया, तो ये किया 15 साल तक। तो ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तीन श्रेणियां ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध, तो ये क्या है? तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया।
इसके अनुसार समाज को तीन भागों में बांटा गया, प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। तीन वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को जो है क्या कहा गया, नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में उनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक, जर्मनी में उससे एक सदी के बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर नहीं है। अब आ गए हैं प्रश्न। तो चैप्टर जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है फटाफट से जो है वो उसका आंसर दे देगा। देखिए, दिल्ली में सबसे पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की थी? तो आपने जब फर्स्ट पार्ट देखा था इस चैप्टर का तो वहां पर चार्ट दिया गया था। सबसे पहले तोमर जो थे ना, उन्होंने यहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की थी। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो बताइए, सोचिए जो है वो मैंने आपको क्या बताया, चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आ जाएंगे। तो इनकी भाषा जो थी प्रशासन की वो थी फारसी। किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? ठीक है, तो हमने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में जो तुलना देखी थी, ठीक है, तो सबसे अधिक विस्तार जो होता है वो मोहम्मद तुगलक के समय होता है। इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था? तो मैंने आपको हाईलाइट भी की थी ये लाइन कि ये जो है कहां से आया था, मोरक्को से आया था। ठीक है, तो फटाफट से आपने आंसर जो है इनके दे भी दिए होंगे, दिमाग में आ भी गए होंगे। तो यहां पर जो है न्याय चक्र क्या है, ठीक है, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा अर्थ हमने जान लिया था। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का जो है वो क्या प्रभाव पड़ा, तो इस तरीके से जो है इनको भी आप सॉल्व करिएगा। वन लाइनर तो जरूर आप करें, यहां तक कि जो भी प्रश्न होते हैं हर चैप्टर के पीछे वो आपको तो करने ही चाहिए और फटाफट से आंसर देने की कोशिश करनी चाहिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया। जिसने चैप्टर पढ़ा है तो उसका तो गलत हो ही नहीं सकता। तो चलिए, चैप्टर हो गया कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 के साथ, तब तक आप इसको एक बार और देखिएगा। थैंक यू।